और कौन साहब के सामने और इतने डिग्निटीज के सामने बात करना, ये सूरज को चढ़ा के अवमानंद होगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, जैसे कि हमने संगठन में सीखा है और देखा है और भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को पढ़ा है, जिस विचारधारा को पढ़कर हम मुतासर हो गए। 2014 में हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न रुका है, न झुका है और न कभी बिका है। यह सबसे बड़ी पहचान भारतीय जनता पार्टी की है। साथियों, हम लोगों ने 30 साल से कितनी बर्बरियत का मुकाबला किया है, आप 96 से लेकर 92 से लेकर, मैं कहता हूं 2014 के दौर को याद कीजिए। यहां का होटल वाला खाना शाम को गिरा देता था, लेकिन उसको डर होता था कि कहीं मेरे विधायक को पता न लगे इसने दूसरे पार्टी वाले को खाना खिलाया। हालांकि उसको अपने पैसों से, अपने जेब से खाना वो खाता था, पैसे देता था। यह हालत यहाँ की होती थी। डेवलपमेंट तो दूर की बात थी, भाई को भाई से दुश्मन किया। यहाँ पे जैसे इन्होंने अभी बात करी, आज वो लोग जो लोग आज यहाँ कभी लोकल का नारा देते हैं, जो आज वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं जी अब वो भी नहीं ये भी नहीं, तीन दायु में मिनिस्टर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, एमएलए भी रहे, और हिस्ट्री में पहली बार अगर डिस्क्वालीफाइड डिसमिस असेंबली में किया है, तो आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखिए, आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखिए। वो वही विधायक है जिसने अपनी लड़की के लिए बिहार से एक बच्ची को लाकर उसको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया, अपनी लड़की के लिए, किसी का हक खाने के लिए। तो आज वही फिर चौथी बार आया है, जो कभी तीन बार उसने नेशनल पार्टी से मैंडेट लाकर, कांग्रेस से मैंडेट लाकर विधायक भी बना, पहचान भी बनाई, परिवार भी बनाया, दौलत भी बनाई। आखिरकार कुरान उठाकर गुलाम नबी आजाद को भी उनसे निकाल कर अपनी हवस के लिए उसको भी छोड़ दिया, और आज प्रेशर कुकर लेकर घर घर गांव गांव चलता है। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, आज वो दिन को कंपेन नहीं करते हैं, आज दिन में वो कंपेन नहीं करते हैं किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे। लोग क्वेश्चन करते हैं और कुछ यहाँ पे एजेंट रखे हैं और गाड़ियों की गाड़ियां आज भी भर के रहते हैं। आपका ही खून 1500-2000 देकर कुरान उठाकर, अरे भैया तूने कुरान की क्या कदर की। इंशाअल्लाह तआला मुझे अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है, उस कलाम पाक पे पूरा भरोसा है जो 14 तख्तों का वाली है, वो उस कलाम पाक की बेहरमती करता है। मेरा रब उसको इसी दुनिया में रुसवा करेगा। गुजारिश करता हूँ, एक विनती है आपसे, यह सुनहरी मौका है, हमें आपसी मतभेद को नहीं देखता है, ये ख्यालात को भटकाते हैं, ये खुद बातें बनाते हैं, आपस में लड़ना जो इनकी विचारधारा है, इनके पास मैनिफेस्टो है ही नहीं कुछ, इनके पास प्लान और प्रोग्राम है ही नहीं कुछ, इनके पास डेवलपमेंटल चीजें या सेकुलरिज्म की कोई बात ही नहीं है। ये वो लोग हैं, इनके चेहरे ड्यूअल चेहरे हैं। यहाँ जब इसको पता लगा, इनको पता लगा आज दोनों चल रहे हैं, जब इनको पता लगा कि मोहन भंडारी जैसा एक व्यक्ति एक नाले से इसकी बड़ी मजबूत आवाज है, उसको कहीं नहीं रहने दिया। इन्होंने कभी मिलिटेंसी के बलबोते पे इस कुर्सी को हासिल किया, कभी पैसों के बलबोते पे हासिल किया, और कभी इंसानों को खरीद कर हासिल किया। इनको ना आपकी हमदर्दी है, ना ही जम्मू कश्मीर की हमदर्दी है, ना ही हिंदुस्तान की हमदर्दी है। हमें एक संकल्प लेना होगा कि इस जड़ को हमने खत्म करना है, इस मूल मंत्र के साथ जो हमने 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों वीडियो देख लीजिए, ये आज कहते हैं यहाँ से यहाँ सुरुड़ी साहब आया है, कोई कायम हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कायम, वो वीडियो देख लीजिए। मैं कल रात की आपको बात बताऊंगा, इसका बेटा
मुझे खात्री में पीछे मिलता है। और दारू से चौधरी बरादरी को लाकर तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह गाड़ियां, अरे ये उल्लू की तरह रात को चलती है। काम तो दिन भर कंप्लेन करते हैं, दलाल शाही से कंप्लेन करते हैं, हम लोग उनके घरों में जाते हैं, हम मोदी जी की स्कीमों को बताते हैं, हम गरीबों पर जो लाभ पहुंचा है उसको बताते हैं, अपना आगे फ्यूचर का प्लान बताते हैं। ये रात को चलते हैं, चार गाड़ियां हमने बंद करवाई, वो वीडियो मैंने रात को ही भेजी है, वो सीज करवाई। अगर आपको लीडरी का शौक है, अगर आप कौम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो आप सुबह से लेकर शाम तक कौम के सामने क्यों नहीं होते हैं? पैसों से हम आपको देंगे, हमारा संकल्प है। मैं सल्यूट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, चाहे वो शक्ति केंद्र प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिन्होंने 70 साल हमसे पहले भी संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी न बिका है, न रुका है, न झुका है। आज क्या कहते हैं, आज तो सुन, अब मैं तो हिंदू हूँ। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुसलमान कहाँ से आया? ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, ये मैं कहता हूँ पार्टी नहीं, यह समुंदर है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल है। क्या हम भूल गए? रातों को जागते थे और अटल जी की सरकार थी, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि सिंगापुर में मेरे लोग जो हैं वो डर से सहमे हुए हैं, वीडीसी, वीडीजी, एसपीओ। और आज हम उनको वोट कास्ट करें जो अभी आज भी सोचते हैं कि वीडीसी को वापस करो, आज हम उन्हें वोट कास्ट करें, आज हम उन्हें वोट कास्ट करें जिसने तीन दहाइयों से हमारे ऊपर डोजर फेरा है। आज उसको रिश्तेदारियां याद आती हैं, आज उसको लोकलिटी याद आती है। अरे जब तुम कमीशन पे बेडरूमों में बैठकर बांटते थे, तब आपको कृष्णलाल क्यों नहीं याद था? तब आपको चमनलाल क्यों नहीं याद था? तब आपको खावड़ा और डांडेलाला क्यों नहीं याद था? तब आपको क्यों नहीं याद था? अरे तुम आज दूसरा मिले वो जिसने कोई किसी अफसर को नहीं छोड़ा है, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन की कचिया उड़ाई है। उम्मीद तो खा लिया तुमने तीन दायकों में, आज प्रेशर कुकर लेके आया है, क्या हड्डियां हैं? अब प्रेशर कुकर में इसका सूप बना कर हमने उसको याद रहना चाहिए। और एक संकल्प के साथ घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, भरम भरदन भरदन मिलकर, तमाम रोशमलाल को एक्साइट रखकर, हमने इस तीनों की तीनों सीटों को जीतना है। रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री हमने भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, और इस देश का भला होगा, रियासत जम्मू कश्मीर का भला होगा। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे भवानी साहब ने कहा, आज आपकी शुरुआत से छात्र केवल और केवल 20 मिनट में पहुंचते हो, पढ़ाई उनकी चाल देख लीजिए, कॉन्शियस और सिंगाइलू सिंपोरा टनल को देख लीजिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या इंद्रवाल के कार्यकर्ताओं ने भूखे पेट और नंगे पांव पार्टी को जिस तरीके से मान सम्मान और पार्टी के झंडे को ऊंचा रखा, ये एक रिकॉर्ड है, आप लोगों का कर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने दायित्व के सामने आपको वादा करता हूँ, आप इन 13 दिनों में रात और दिन मेहनत कीजिए, इस सीट को हमने जीतना है। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं मंचा सीट के सामने वादा करता हूँ, आपका जो कर्ज है वो मैं सूद अदा किया जाएगा। चाहे हमारे वर्करों का हो, आप मन पही रहिए, इनके बहकावे में मत आ जाइए। याद रखे, अगर आज भी हमने कोई चूक की, अगर आज भी हम किसी के बहकावे में, किसी के उसमें जंगल में फंस गए, तो आने वाली नस्लों के हम लोग जिम्मेदार होंगे। ये वक्त कभी नहीं आया है, ये वक्त कभी नहीं आएगा।
मैं इसी शहर के साथ और इस उम्मीद के साथ आपसे विनती करता हूँ कि यह बेचने का समय नहीं है। हमारा कार्यकर्ता दो चीजें मैंने देखी, अरे 70 साल में बीजेपी के कार्यकर्ता ने मिलिटेंसी का मुकाबला किया, आतंकवाद अलगाववादों का मुकाबला किया, बाकी पार्टियों का मुकाबला किया। आज हमारी पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता निराश होते, ओ जी माइक इनकी 4 माइकों पे गाने चल रहे हैं, ओ जी वो आज 15 गाड़ियां इधर गई 15 गाड़ियां उधर गई। अरे जो इधर या उधर जाए, हमने मछली की आंख को देखना है, हमने अपने विश को लेकर जाना है और हमने अपने मिशन को प्राप्त करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम ये सीट जीतेंगे। मैं नारे 2-3 दूंगा, उनका जवाब देंगे हम श्रोता अंदाज में जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी, सुनील शर्मा जी, शगुन पर्याल जी, शगुन पर्याल जी, शुक्रिया। आदम हो सकता।